जनपद सिद्धार्थ नगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार के महादेवा राय में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 12 वर्षीय लड़के को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और परिजनों समेत पूरे ग्रामीणों ने रोड जाम कर जमकर हंगामा काटा। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुट गया, लेकिन मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। तभी प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद यह मामला शांत करवाया। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि उसका ब्रिज मनगंज के रोड पर बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन पूर्व में भी शिकायत के बाद भी ब्रेकर नहीं बनवाए गए। नाम का है जो इस पैर में, आपके क्या लगते हैं? हमारा नाम उमेश है, वो हमारा छोटा लड़का है। मामला क्या है पूरा? मामला एक्सीडेंट हुआ है ट्रक से, ट्रक वाला ठोक करके हमारे बच्चे को भाग गया है। और पूछिए जो आज सुबह 10 बजे एक लड़के जिसकी उम्र 12 वर्ष सागर अगरही सना उमेश अगरही का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। ट्रक को बीरमनगंज पुलिस ने पकड़ लिया है और बच्चे का शव को पोस्टमार्टम में भेजा गया है और तहरीर मिलने पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजन अभी धरना दे रहे थे तो इस पर क्या आश्वासन दिया गया? धरना नहीं दे रहे थे परिजन, तो थोड़ा सा किसी घर में कोई बात हो जाती है तो थोड़ा सा आक्रोश तो आ ही जाता है। परिजन सहमत हैं और परिजन को आश्वासन दिया गया कि आप ब्रेकर बन जाएगा और बाकी जो भी मुआवजा या जो चीजें होती हैं वो एडीएम से बात करके उनको दिलवाई जाएंगी। परिजनों का आरोप है कि यहाँ पर ब्रेकर की। तो वही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ सदर प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि इस मामले को शांत करवा कर आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ब्रेकर बनवा दिया जाएगा, जिससे और कोई दुर्घटना ना हो। सिद्धार्थनगर से अमर श्रीवास्तव, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।